अब यही जोड़ा 6 लाख रुपए का हो। कहते हैं सफर का। ओए, ओए, जाकर वो कर लेना, ठीक है ना? गलत कर रहा था। बख्शी लव बर्ड्स की बदौलत इंसान का क्या फैसला होता है? बस जेनेटिक सेंटर की तरफ से हुआ। ये हमें सरप्राइज देता रहता है उमर। सुबह 3 बजे अब वक्त है सफर का। As usual, I'm the last one to get ready. गाड़ी में बैठे हुए मेरे इंतजार में। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अपने वालदा के लिए जो प्रोटोकॉल लगवा सकता था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह के इंतजाम किए हुए। अभी हिसाब से मिलता हूँ, हल्के फुल्के कुछ तलक आते हैं ASF में। तुम्हें चौधरी इरफान ने काम कहा था, इंग्लैंड जाकर वो कर लेना, ठीक है ना? याद है ना उन्होंने कहा था तुम्हें? चौधरी साहब मैं तेरा पैगाम देता है। सबसे मुश्किल काम एयरपोर्ट पर या किसी को छोड़ने या वसूल करने। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा को और छोटे भाई को छोड़ कर आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटोकॉल के साथ अंदर गए, स्पीड के साथ अंदर गए और जो उनको बोर्डिंग पास इशू हुआ है वो फर्स्ट रो का था और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़त बख्शी लवबर्ड्स की बदौलत। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने लवबर्ड्स में यह मुकाम दिया कि मैं अपनी वालदा की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। वालदा ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, हालांकि करना तो मैंने था ही। उन्होंने कहा था यार मुझसे इतना चला नहीं जाएगा तो कई सीट्स पीछे की तरफ ना दे दें। तो तहज्जुद का वक़्त है, जो लोग उठे होते हैं इस वक्त इसको गनीमत समझें। यह मांगने का वक़्त है और अल्लाह ताला इस वक्त इंतज़ार में होता है कि कोई मुझसे मांगे तो मैं दूँ। अल्लाह ताला सब के वालदेन को सही सलामत ज़िंदगी दे, सेहत दे, बीमारियों से दूर रखे और अल्लाह ताला हम जैसे औलादों को तौफीक दे कि हम अपने वालदेन की खूब खिदमत कर सकें। बाकी बात इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के सोने के बाद होगी इंशाल्लाह। मेहमान आए, मैं तो बस अभी और सोया ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब कैसे हैं आप? लोगों ने इनको मना किया कि इत्थे ही नहीं जाना, जिथे मर्जी टुर जाओ, नवीद शेख को नहीं जाना। ना जान दी वजह बर्ड नहीं देना। बर्ड ना देने की वजह इस भाई को बर्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने मुझे कहा मुझे बर्ड दे ना नहीं आंदे एवं है। मैं क्या इस तरह के बंदे को बर्ड बेचना बहुत मुश्किल काम है। एक और मेहमान है। वालेकुम अस्सलाम जी भाई जान, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। उठते ही इसने कुछ बर्ड सेल किए खुद ही, तो इंशाल्लाह अभी दोनों भाइयों के साथ बातचीत करते हैं फिर देखते हैं इंशाल्लाह इन साहब का क्या फैसला होता है। रोज भाई को आज मैंने एक मशवरा दिया है, इन्होंने कहा मैंने काम करने का बजिद ने के मैंने बर्ड लेके जाना है। मैंने फिर इनको एक मशवरा दिया है, मैंने कहा दुनिया अल्लाह का शुक्र है मुझे देखती है सोशल मीडिया पे, अगर आपके पास उस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं या आपकी शोहरत उस तरह है कि आप एड लगाए बगैर बर्ड बेच सकते हैं तो आप जो मर्जी लेके जाएं। तो अगर आपका वो सूरत हाल नहीं तो बर्ड वो लगाएं जो आप खुद बेच सकें, जिस पे आप मार्केट का रुख करें, मार्केट वाले आपको अच्छा पैसा दें। अभी इस वक्त इस नेस्टिंग मटेरियल को हम साफ कैसे करते हैं और ये हमारा जवान सबसे पहले ये पानी के अंदर अच्छी तरह साफ होगा। हालांकि वो वाला भी देखने में बजाहिर बहुत साफ था लेकिन मिट्टी कितनी निकल रही है। वो पास ये क्रिमिनो के बच्चे भी थे, अल्बाइनो के बच्चे भी थे, फिर मैंने कहा इनको क्यों हम 7-8 महीने इंतजार करवाएं क्योंकि न्यू है इनको पता नहीं है। तो इधर से फैसला हुआ कि इनको एक ब्रीडर पेयर दिया जाए और एक मादी हमारी तरफ से फ्री है और जिन बर्ड्स का DNA था बर्ड जेनेटिक सेंटर की तरफ से हुआ। आज मैं नाजरीन को एक बकाम देता चलूं, 30-35 हज़ार रुपए में ये लेके जा रहे हैं, इसके अंदर कौन सा कारोबार होता है? मैं कहता हूं बड़े ख्वाब देखना बंद कर दें, ना ही हम दिखाते हैं। आप एक बच्चा 1000 रुपए का भी बेचें सर, 1000 रुपए का एक बच्चा बेचें, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, नसीब अच्छा करे, एक नर 3 मादियों से अच्छा काम ले पाए, 10 बच्चे निकल आए, 1000 रुपए का भी बच्चा बेचे, 10 हज़ार रुपए आज के दौर में कमाने के लिए जो रक्षा चला रहा है या जो मुख्तलिफ तबके उस तरह के एक तबका जो काम कर रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है। कितने 100 इकट्ठे करने के बाद 1000 रुपये इकट्ठा कर होता है,
सर आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं कढ़ाई का काम। तो कढ़ाई में वैसे ही नाजरीन के लिए कढ़ाई में यानी आपकी क्या सैलरी है? 30,000 रुपए 30 दिन यानी एक दिन का 1,000 रुपए। तो अगर इंशाल्लाह एक बच्चे से ये बन जाए तो उम्मीद है आप हमें दुआ में याद रखेंगे क्योंकि आपको इसी ऊपर ही मिलेगा इंशाल्लाह। भाई की चाहत है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे आए तो मैंने जवान को कहा इनको मेन सड़क तक जो है ना वो इस पे छोड़े। इसको अच्छी तरह साफ होने के बाद हम इसको धूप में रख देते हैं चंद घंटे और खिलार के बिछा देते ताकि इसको हवा अच्छी तरह पड़े। हमारा जवान नजर आ रहे आज हमारा कार्गो बॉय कार्गो बैग देने नहीं मेरे ख्याल लेकर माशाल्लाह ये हमें सरप्राइज देता रहता है उमर। वो किसने करवाया है वो तो मैं नहीं बता सकता लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा है जिसने माशाल्लाह बेहतरीन पैकिंग के अंदर दी। सिर्फ केज का सहारा नहीं किया कत्ते लगाया सारे के सारे बर्ड रेडी टू ब्रीड हैं और एनएस रिंग बर्ड्स हैं वहां पर नेस्ट है क्या अल्लाह खैर करे। चंगी शाह या पेड़ी शाह ओ माशाल्लाह माशाल्लाह ये बर्ड रखा था मैंने पिछले साल ग्रीन स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट बी वन बी टू पॉसिबल डन फेलो ये नर है होम ब्रीड है और ब्लू यूविंग पॉसिबल डन फेलो मैंने एक लड़के से ली थी कसूर से माशाल्लाह ये है अल्लाह ताला की शान अल्लाह ताला की कुदरत। वैसे ही ये जोड़ा शायद 50,000 रुपए का भी नहीं है अब यही जोड़ा 6,00,000 रुपए का हो गया माशाल्लाह विजुअल डन फेलो। देखो ये रिस्क लेने वाला बंदों में पॉसिबल्स लगाई अपने घर में खुद अल्लाह से दुआ मांगी और विजुअल डन फेलो आ गया। नेस्टिक मटेरियल वाले जवान लगे हुए हैं वहां पे हमारा कार्गो डिपार्टमेंट उधर तगड़ा लगा हुआ है भगवान और वेरकोनेस का स्प्रे। आज मैं सुबह उठा हूं बैंक बैलेंस चेक किया तो पेमेंट आई हुई थी तो पता चला माशाल्लाह इस जवान ने इन 3 पेयर्स को बेच दिया था तो माशाल्लाह छा गया माशाल्लाह टॉप क्वालिटी 4 जोड़े हेडिंग टुवर्ड्स गुजरावाला चैंपियन है इन्हू तौन तुम की लोड़ ही नहीं है छाया पे सा चैंपियन। अपने शाम के अजकार लाजमी किया करें मगरब का वक्त होने वाला है हमारे ये जवान चैंपियंस अब नेस्टिंग मटेरियल को पैक करने जा रहे हैं इन बोरियों में। बारिश का इम्कान शुरू हमारे नेस्टिंग मटेरियल अंदर आज पूरा दिन घर में बैठा नहीं गया बस घर काफ़ी वराना सुनसान हो गया। वालदा से माशाल्लाह काफ़ी रौनक थी बच्चों के चाचो अब्दुल्ला से बड़ी रौनक थी। अमीर अमीर बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह दोपहर शाम पैसा 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 कर रहे होते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है दुनिया में कुछ ऐसी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई जो आपको जिंदगी में एक बार मिले उनमें से आपके वालदेन। जितनी आप तवज्जो अपने मेंटोर अपने उस्ताद अपने आइडल्स को देते हैं अपने सेलिब्रिटीज को देते हैं उतनी ही तवज्जो अपने वालदेन को दें। दुनिया में तरक्की करोगे और ये याद रखना इस बंदे की कामयाबी के पीछे आपकी दुआएं आपकी मोहब्बत और मेरे वालदेन की दुआ। दैट्स इनफ फॉर टुडे टाइसन मेरा इंतजार कर लेकिन आज टाइसन की तरफ नहीं जाने लगा गोना गो स्लीप यार सुबह का उठाऊं अल्लाह हाफिज़।